जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो ईश्वर यहां पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उसकी उम्र 49 ईयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी। आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहां मौजूद है, सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। पहला चीज, हम ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है, जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में। क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है? ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं? जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा, मेरे पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब एक झलक दिखाते उस पहाड़ को, उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहेंगे। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। और मैं मिसाल पेश करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि एक शख्स आके एक नेक इंसान से पूछते हैं कि ये तलवार है और मैं तलवार से आपका हमला करूंगा, मैं इस तलवार से आप पर हमला करूंगा, आपका अगर ईश्वर है तो आपको बचा ले। पहले दरख्वास्त होती वो आदमी से कि अगर ईश्वर है तो आप हमला करो और मुझे बचाओ। तो ये धार्मिक इंसान कहते हैं कि आप मुझ पे हमला करो और अगर ईश्वर है तो मुझे बचाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है इस मिसाल से कि जरूरी नहीं अगर मौजूद है तो वाकई बचाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जाहिर करना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं, क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये तरीका है कि जाहिर होना देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे।